नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी बच्चों? DE SSS की एग्जाम को लेके बहुत सारे बच्चे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेके उआपू की स्थिति में है कि कब आएगा एग्जाम डेट। आएगा एग्जाम डेट तो उसमें वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 44,000 वैकेंसी, कुछ लोग बोल रहे हैं 20,600 वैकेंसी, कुछ लोग 8,000 तो कुछ लोग 5,000। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे जो आपको देखने की मिल रही है उसकी सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और तमाम ऐसे एग्जाम, चाहे टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको इस चैनल के थ्रू तैयारी करने को मिलेगा। आते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन पे। मेन क्या है, अभी आप लोग देखे होंगे कि ये एक जो एक एफिडेविट है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली से 11332016 के नाम से, इसमें ये क्या दिया गया है कि धर्मेंद्र शर्मा और सोशल जूरिस्ट लायर ग्रुप का दिया हुआ है एक एफिडेविट। किसके रिगार्डिंग है कि कितनी वैकेंसीज ओपन है, किसने दिया है ये मैं बता दूं, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डायरेक्ट इसका आंसर दिए हैं। इसमें एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि अगर इसे आप देखोगे कि अलग अलग वैकेंसीज में जो DOE के द्वारा है कितने रिक्त पद हैं, कितने सैंक्शनड हैं, कितने पद इसमें खाली हैं, कितने भरे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है। जैसे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का देखोगे तो 4,060 टोटल वैकेंसीज हैं जो सैंक्शनड हैं, जिनमें से 3,091 भरे हुए हैं। 771 जो पद हैं वो किस पे हैं, ये गेस्ट टीचर हैं, और केवल 198 वैकेंसी क्या है, वैकेंट पोस्ट यहाँ पे, मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे तमाम असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, सबसे जरूरी मैं यहाँ पे TGT का दिखाना चाहूंगा, 34,105 पद में से 23,058 केवल यहाँ पे क्या है, ये सैंक्शनड है, ये फील्ड है। 10,757 पे ये गेस्ट टीचर हैं। ये गेस्ट टीचर क्या है इस बात को मैं समझाता हूँ, और यही सबसे ज़्यादा आपके नुकसान कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अपने एजुकेशन में अगर देखोगे डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं ये क्या कर रखे हैं, गेस्ट टीचर का हर साल वैकेंसीज यहाँ पे निकाल रहे हैं, वो फिल कर रहे हैं, और उनके तमाम स्कूलों में, तमाम कॉलेजों में, तमाम चीज़ों में क्या होते हैं, इनके गेस्ट टीचर पढ़ाते रहते हैं, और इसके कारण से ये जो फ्रेश वैकेंसीज है ये नहीं आ पाती है, जिसके चलते ही है ये जो आपने एफिडेविट देख रहे हो, ये जो KC नंबर 1133 ऑफ 2016 देख रहे हो, ये 2016 से ही ये केस चलता चला आ रहा है। किसके संदर्भ में, कि भाई गेस्ट टीचर को हटा के फ्रेश वैकेंसीज लाओ, वरना यहाँ पे जो अवसर बोल सकते हैं ना कि सबको एक बराबर का अवसर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रेश वैकेंसी से वंचित रह जा रहे हैं, और उसके संबंध में ही ये टोटल जो वैकेंसीज का यहाँ पे दिया गया है वो सारा दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी सच्चाई क्या है। अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल 48,726 मतलब 79,193 सैंक्शन है, जिसमें से 48,726 यहां पे क्या है, फील्ड है। 16,563 ये गेस्ट टीचर हैं, मतलब अगर इन इन पद पे अगर फ्रेश वैकेंसीज आ जाए तो DSSS में वैकेंसीज की भरमार आ जाए, मतलब कि 20,600 वैकेंसी यकीनन बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, लेकिन ऐसा हकीकत है नहीं, 20,000 वैकेंसी आनी नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि इतना जल्दी आप ये बोलो कि सारे गेस्ट टीचर को हटा दें, गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बना दे, सारे फ्रेश वैकेंसीज मिला दे, तो शायद मेरे हिसाब से इतना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या है, 3904 जो इन्होंने बोला है कि इतने सीटें वैकेंट हैं, और यही रिक्विजिशन के लिए फर्दर जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वीडियो में अगर आप देख रहे होगे यूट्यूब पे, कुछ यूट्यूबर ये डाल रहे हैं कि 5 मई से क्या हो जाएगा, 5 मई से आपका DSSS का एग्जाम आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी इसका रिक्विजिशन गया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये 1 अप्रैल 2023 तक के सारे जो डेटा थे वैकेंट सीटों का, वो दिया गया हुआ है। तो ये जो आपके टीचिंग एग्जाम, टीचिंग और ऐसे ही नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिनके लिए मैं, जिनका भी अलग से इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके चलाऊंगा। जो 5 मई की डेट है वो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला, इससे पहले एक खबर आई थी, मैंने आपको बताया भी था, या विजुअली इंपेयर्ड ऐसे लोग होते हैं उनके लिए वैकेंसीज की बात थी, जो DSSS और UPSC को वहां पे दिया गया था कि आप 1 महीने के अंदर इनका क्या करो, रिक्विजिशन दो, 1 महीने के अंदर इनका फॉर्म निकालो, उसके 30-45 दिन के अंदर आप क्या करो, आप उनका इंटरव्यू करके उनका रिजल्ट निकालो। ये वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये वही है। नेशनल, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड पेटिशनर जो थे, इनके लिए था, और वो सबसे लास्ट पेज में मैं आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि इन्होंने दिया था कि 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, विजुअली इम्पेयर्ड के इतनी 1351 वैकेंसी जैती, 852 वैकेंसी जैती, 1 महीने के अंदर सारा क्या होना चाहिए,
फिल होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन इसमें दी गई थी। एज फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज नोटिफिकेशन द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कंसीडरेशन अगेंस्ट वैकेंसीज रिपोर्टेड फॉर बीइंग फिल्ड अप बाय द प्रमोशन ऑब्टेनिंग ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस, क्या होना चाहिए, कन्वीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी इंटरव्यू भी बाय द कंसर्न अथॉरिटी बी कंक्लूडेड विद इन 45 डेज में होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय इशूड विद इन 30 डेज होना चाहिए, और इसके संबंध में जो GNCTD के द्वारा आया था, लोग बोल रहे हैं कि 5 मई को है, वो 5 मई को आपके DSSB के PRT का और TGT PGT और नॉन टीचिंग पोस्ट का नहीं है, वो इसके लिए है, मैं आपको इतना बता दूं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। 5 मई को अभी कोई ऐसा फ्रेश वैकेंसीज नहीं आने वाली है, अभी इस पे केस ही चल रहा है, और हालांकि ये भी कंफर्म है कि आएगा, लेकिन कब आएगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि मे के थर्ड वीक या लास्ट वीक तक आपका DSSB का हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, अभी मैं इस पे कुछ भी कहना, हो सकता है पहले ही आ जाए, कुछ भी कहना मैं सही नहीं समझूंगा, जैसा है सूचना मिलती है मैं आपको उसके लिए अच्छे से सूचित करूंगा कि आखिर क्या आपके एग्जाम डेट हो सकती है, कितने पद आ सकते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पद हैं, ये 3904 पद अभी तक जो टोटल निकल रहे हैं, ये टीचिंग पद के लिए, जिसमें PRT TGT PGT सब अगर ये मिला लिया गया, जो एक केस केवल बन रहा है कि मतलब कि जो गेस्ट टीचर वाले हैं ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो जाके आपके 20,674 पद हो जाएंगे। जो अशोक अग्रवाल जी जो सोशल ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात को यहां पे दिया है, अगर आप देखोगे अपने ट्विटर पे कि 20,467 टीचिंग पोस्ट एंड DOE एज ऑन दिल्ली हाईकोर्ट थ्रू एफिडेविट, ये 1 अप्रैल तक का यहां पे बताए हुए, लेकिन ये 20,467 वही मैं बता रहा हूं, जो 3,000 और 16,000 अगर आप वो जोड़ोगे, 16,000 समथिंग और 3,000 समथिंग, तो आपका ये 20,467 पहुंचेगा। इन्होंने एक अलग से आज भी दिया है कि 5,250 टीचिंग पोस्ट, जिसमें से 509 प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, 2683 टीचर प्राइमरी के लिए, 2581 नर्सरी के लिए, 37 स्पेशल एजुकेशन के लिए, ये MCD DSC को जो कही है एफिडेविट के थ्रू, इनके द्वारा इंफॉर्मेशन है 5,250। तो इतना आप समझिए कि जो वैकेंसीज है, अगर आप एक जगह और देखोगे, मैं उसका प्रूफ है वहां पे 8,000 का जिक्र किया गया है, तो इतना समझ लो कि जो टीचिंग पद है DSSB में लगभग 5,000 के अराउंड, टीचिंग अगर मैं पद बोल दूं, टीचिंग पद में जो अभी तक इंफॉर्मेशन है, 5,000 के अराउंड आपकी वैकेंसीज आनी है, जिसमें आपका TGT PRT सारे की ही बात किया जाए तो लगभग इसमें आएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट भी मिला लिया जाएगा तो 8,000 से 9,000 पद हो जाएंगे, जो DSSB के द्वारा मई में आपका आना है, लेकिन कितने मई को आना है ये भी बहुत क्लियर नहीं है, ये भी जब मेरे पास सूचना होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप DSSB की बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन और इसकी तैयारी करना चाहते हो, टीम परीक्षा प्लस की बहुत विधिवत कोर्स चला रही है मात्र 599 में, सारे का सारा DSSB के PRT का और TGT PGT के पार्ट ए का, आप उससे जुड़ सकते हो। बाकी कोई भी समस्या है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।